Hi, this is Khushboo with another question of circles. This is question number 12 from exercise 10.5, page number 186 from NCERT. It says, prove that the cyclic parallelogram is a rectangle. So, prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. So, this question is not given to you. You have to make a circle, then you have to make a parallelogram. You have to label it, you have to label it. Suppose it's A, B, C, D. Now, we have given a parallelogram. A, B, C, D is a cyclic parallelogram. To prove कि A, B, C, D is a rectangle, A, B, C, D को हमें rectangle prove करना है. Proof. Rectangle prove करने के लिए अब हमें पता है कि ये cyclic है. साइक्लिक है तो ऑपोजिट साइक्लिक होने का मतलब कि ऑपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास 180 है. सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180 सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. So, A plus C 180 है और हमें पता है कि एंगल A इक्वल एंगल C के क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180. इसका रीजन हम देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स 180. सो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आएगी 180 डिग्री बाय 2 मीन्स 90 डिग्री. तो एंगल ए इज 90. सो अगर एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 होगा बिकॉज वो भी इसके इक्वल है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स एंगल सी इक्वल्स 90 डिग्री. सिंस ऑपोजिट एंगल्स का सम ऑफ 90 हो गया सिमिलरली ऑल आर 90. ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है. सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में कॉर्नर एंगल्स 90 के पैरेललोग्राम में नहीं होता. तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि 90 के दैट मींस इट इज अ रेक्टेंगल. सिमिलरली ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rectangle. So this was the last question from NCERT. In case you have any doubt, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Bye bye.